हेलो जी, सत श्री अकाल जी। मैं मनदीप कौर, पंजाबी कुकिंग एंड पंजाबी कल्चर भी थोड़ा स्वागत करती हूँ। अज अपने घर आ रहे हैं फ्रेंड्स गैसट, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हाँ। आप गैसटा के आने की कर रहे हैं तैयारी। आप बना लगे आलू तो प्याज के पकौड़े। इन गैसट आन गए ने, आप तैयारी कर लें। उस तो पहला फ्रेंड, जो तुम मेरे चैनल पर नवे तो प्लीज़ मेरे चैनल सबसक्राइब जरूर कर लियो। तो जे थोड़ा मेरी वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे लाइक तो कमेंट करके जरूर दस्या करो जी। तो वीडियो एंड तक जरूर देखियो, ता ही थोड़ा पता लगेगा कि अपने घर कौन आ रहा है अज। तो आप गैसटा वास्ते लगे पकौड़े बना, बाकी होर सारी अपनी तैयारी हो पई है। लो जी, आप जो पकौड़े बना रहे हैं वह पकौड़े लिए समान दस देने थोनों कि अपने केड़ा केड़ा समान लिया, की लिया है। तो प्याज के पकौड़े तुम बहुत खाधे हो गए, अज मैं थोड़ा एक अलग तरीके प्याज के पकौड़े बनाने दस रही है। तो तुम उदा बना के जरूर ट्राई करने हैं जी। तो फिर मैंने दसना भी थोड़ा जो प्याज के पकौड़े ने कि लगे। चलो जी, आप समान देख लें कि अपने प्याज के पकौड़े बनाने लिए की समान ले। अज जी समान देखिए। लो जी, सब तो पहले तो अपने प्याज ले, प्याज जो अपने इदा लंबे लंबे चीर ले। तो इधर ले अपने बेसन, इधर आप आलू के पकौड़े कढ़ा कुछ, क्योंकि उदम आलू के पकौड़े प्याज के पकौड़े जो नहीं खाता है। तो इधर लिया जी अपने लून मिर्च, यह है अपना गर्म मसाला, तो यह है अपना चाट मसाला। इधर कड़ाही से अपना ऑयल जरा पा के रखते गर्म होने लिये, इन्हें अपना ऑयल जरा चंगी तरह गर्म हो जूगा। इन्हें अपना सरों का तेल है, आप सरों के तेल में जो पकौड़े बनावेंगे। वैसे गैस तो अपने फुल करी हुई है, तो अपना तेल जो भी गर्म होना शुरू हो गया। चलो जी, हम पकौड़े बनाने लिये समान थोन दसते हैं, तो हूँ आप इन्हों का घोल तैयार कर लेंगे। लो जी, जो प्याज ने ना, प्याजा इदा हाथ ना एन चंगी तरह इन कले कले कर लेंगे। पर उस तो पहले आप लून मिर्च पा लें। तुसी बेसन मतलब जो प्याज के पकौड़े बनाने वह तो आप अलग तरीके बनाते होंगे सी। पहला बेसन पा के ना उस लून मिर्च पा के प्याज पा दें। तो यह मैं उस तो भी अलग तरीके दसन लगी है प्याज के पकौड़े। सब तो पहले तो आप हल्दी पावे, ये है जी अपना धनिया पाउडर, लाल मिर्च, एक चमच लिया अपने नमक का, ते ए हैगा जी अपना जीरा, चाट मसाला। एदे नाल जिहड़े अपने पकौड़े ना चटपटे बन जाणगे। ते ए हैगा जी अपना गरम मसाला, लो जी ये सारा कुछ अपने पा लिया। तो हम सब तो पहला प्याजा के चंगी तरह मिक्स कर लेंगे। तो इदा ना प्याजा ना थोड़े हाथ की दाब दे के ना इन्हों कले कले कर लेंगे। फिर अपने प्याज के पकौड़े ना बिल्कुल जिमें कली 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 आऊगी, एन वधिया लगनगे प्याज के पकौड़े बनाए हुए। तो इदा बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। सुता पे ठाल उठे नहीं रहा, हूं उठेगा। पिंड चू आ गया, पिंड पकौड़े खा लिया है मैं क्या कह हाँ। पकौड़े बनने टाइम लग जूगा। लो जी, आ देखो अपने इदा जेडे प्याजा ना चंगी तरह हाथ नाल हाथ की सहायता ना एन चंगी तरह घोल लिया लून मिर्च भी ए हूँ पावे आप बेसन। लो जी, बेसन पा के हूँ आप चंगी तरह मिक्स कर लेंगे। जे अपन पानी की जरूरत पी तो पानी पावे, जे ना जरूरत पी तो पानी अपन नहीं पावे। वैसे तो अपने प्याजा ने पानी छड़ते सीगा, क्योंकि अपने ये नमक ना पहला पाते सीगा ना करके। लो जी, बेसन आप हुण होर पा लेंगे। जिहड़ा पहला बेसन पाया सीगा अपने ये एन चंगी तरह प्याजा नूं कोटिंग देती। फिर मिक्स कर लेंगे अपना दोबारे।
प्याज के पकौड़े ना बहुत ज्यादा टेस्टी बनते ने। लो जी देखो अपने प्याजा के पकौड़े बनाने वास्ते अपने घोल तैयार कर लिया, तो इदा का रखे ज्यादा पतला नहीं करया है, तो ऑयल जेड़ा अपना गर्म हो गया। तो हम आप बनावे प्याज के पकौड़े, तुम इदा ले लेने मुठ्ठी के बच्चे, तो इदा फैला देने ये ना प्याज के पकौड़े एक तो अपने एन लच्छेदार बन गए, तो एक कले कले बन गए। तो जी इस तो वध नहीं आप पावे क्योंकि कड़ाही अपनी भर गई है चंगी तरह, तो इन्हों ना हम आप पका के प्लेट के कड़ लेंगे, तो इदा इदा करके अपने सारे अपने प्याज के पकौड़े बना लेने। आलू के बनावे आप बाद दे विच चारनी फेर लें हूँ आप। तेल जरा अपना एन गर्म है होया वा, पहले दो मिनट तो तुसी इन्हू छेड़ना नहीं है, उस तो बाद फिर पलटना है। एकदम अपने प्याज के पकौड़े क्रंची क्रंची से टेस्टी बनने, तो तुम भी इदा बना के जरूर ट्राई करो। तो बाद अपने इन्होंने उपर ना चाट मसाला स्प्रिंकल कर सकते, उपर छिड़क सकते हैं, तो वो होर भी टेस्टी बन गए ये। तो हम आप इन कट लेंगे, आ देखो किन्ने वधिया हलवाई स्टाइल अपने प्याज के पकौड़े बने ने, तो तुम इदा बना के जरूर ट्राई करना है। बिल्कुल कलर देखो किन्ना ज्यादा वधिया आया इन्हों का। देखो जी अपने ये पकौड़े भी बन के तैयार ने, क्रंची क्रंची देखो किन्ना ज्यादा वधिया कलर आया है। तो इदा अपने ना सारा तेल निचोड़ देना है चंगी तरह, देखो किन्ने ज्यादा टेस्टी अपने पकौड़े बने ने। नमक मिर्च भी जेहड़ा एकदम सही बनिया पिया होया। लो जी हुण आपां होर पकौड़े पा देंगे, दूजी साइड तो पलट देंगे चंगी तरह। लो जी दूजी साइड तो पलट गए, बस तेल जेहड़ा अपना अपना बिलकुल गर्म है तेल, ते बस इदा करके अपन जो पकौड़े बना लेने। अज्ज पकौड़े तो अपने सारे बना दिते ने, ये ना बच्चे खाणगे आलूआं दे पकौड़े, इस करके ना अपने दे विच नूण मिर्च घट पाया क्योंकि फिर बच्चे ज्यादा नूण मिर्च खाते नहीं है। तो मिर्चा के पकौड़े ने जिहड़े अपने कैमरे तो साइड करके बना ले, आ देखो यह बनाए जी अपने मिर्चा के पकौड़े। तो यह जिहड़े अपने पापड़ बनाए सीगे ना, अज्ज आपां इह भी फ्राई कर लैंदे आ क्योंकि बच्चे पापड़ खा लेंगे। आ देखो ते मेरे तो ना एक मिसटेक हो गई क्योंकि ना मैं ज्यादा पतले फैलाते सीगे, देखो जो सुके ऐदा हो गए, तो तुम थोड़े जे मतलब कि मोटे रखियो। लो जी थोड़े जे आप पापड़ भी फ्राई कर लेंगे, आ देखो किदा फुल रहे ने, एन वधिया फुल के तैयार हो रहे ने अपने पापड़, आ देखो किन्ने सारे फुल गए जेड़े बच्चे ने बजारी हां लिफाफे हां लेके आ, जेडे बाजार चो लेके खाने ना ये मेरे पापड़ बन गए, बाजार च जाने की लोड़ नहीं हैगी। लो जी अपने हो गए गैसटां दे आन दी तैयारी, ते हुण आपां देखदे आ गैसटां नूं फोन करके कदों तक आणगे, ते अपने पकौड़े सारे बना ले। चलो जी आपां तुहानूं गैसट दिखावांगे जदों आ जाणगे वी कौन आए अपने घरे गैसट। लो जी अपने घरे जिहड़े गैसटां ने आना सीगा ओह आ गए, दिलप्रीत अगे नूं आ जा, हैलो करदे हैप्पी वीर जी, हैलो सत श्री अकाल जी। लो जी
रिश्तेदार बाले लेट हो गए रात नू आए हैं। थैंक यू पर मेरा हैप्पी बर्थडे हजे आया ही नहीं ते तो बाद आऊगा। की करिए भाई 6 बजे लॉकडाउन खत्म हो जाता होना दुकाना बता के जाना सी। ठीक है कीमे दे लगे पकौड़े वीर जी बहुत वधिया जी पर मर्चा लग गया ने मर्चा ही मर्चा लग गया मिर्चा ले पकौड़े जी ता मिर्चे लगनी है फिर भी ठीक ने पापा टेस्टी है जिदन ने बनाए ना अज फ्राई नहीं करते अज फ्राई करे हैं। अच्छा बासी नहीं है गे और सुका नहीं रखे हुए थे। हाँ चार पांच दिन हो गए शाम ਆਪਣੀ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ
ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਕਰੋਨਾ ਹੈ ਬੱਦੂ ਜੋ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਬੱਦੂ ਦੁਆਰ ਹੈ ਨਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਆਪਣੀ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਫਤੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏਗਾ 10ਵੀਂ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਪਰ उदम दी मैडम ते उन्हां दे दो बेटे ते हसबेंड ते असी इन्हां नाल बहुत वधिया रिश्ता निभांदे ए वी साडे नाल बहुत प्यार नाल रहिंदे आ ते भावें असी ट्यूशन ते जाईए चाहे ना जाईए साडा इक अलग ही रिश्ता बन गया भैण भरावां वाला तो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ये उद्यम का भी तो असी भी तो इस करके सानू ये मिलन आए नहीं क्योंकि असी काफ़ी दिन हो गए इन्हों को गए नहीं ते तां करके अज मिलन आए ने ये सानू तो इन्हों आउंदे नू हनेरा हो गया जी क्योंकि इन्हों दा अपनी दुकान है ना दुकान फिर लेट इन्होंने बधाई कहिंदे ये इस करके फिर इन्हों साढ़े 6-7 वज गए थे आने तो असी तैयारी पहला करके रख ली सी। सो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ थोड़ी मेरी अज की वीडियो पसंद आई होगी। जे थोनू मेरी अज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मैं लाइक तो कमेंट करके जरूर दस्यो तो जे तुसी मेरे चैनल पर नवे तो प्लीज़ चैनल सबसक्राइब जरूर कर लियो जी तो वीडियो नू एंड तक जरूर देखा करो नाले अगे शेयर जरूर कर दिया करो जी। चलो जी फिर अपन नैक्सट वीडियो लेके फिर मिलेंगे जी तद तक लई बाय बाय सत श्री अकाल जी। गुरजोत ने बहुत ज़्यादा मस्ती करी गुरजोत तो इदा घूमता है जिदा भी पहला कई बार आ लिया जिदा कोई ओपरा नहीं करता है तो पापड़ सबनों पसंद आए तो पकौड़े भी सबनों पसंद आए जी। चलो जी फिर नैक्सट पार्ट वीडियो लेके फिर मिलेंगे बाय बाय।